फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छा होंगे। अभी मैं घर से निकला सवेरे, एक यहाँ हमारा राम मंदिर है वहाँ मैं राम मंदिर का दर्शन करने अभी आदि बैठा है, छोटे भाई भी बैठा है एक और ममता अंश वो भी बैठे हुए, अभी जा रहे हैं। आगे का रास्ता देखिए, अभी गर्मी बाहर जितना है यहाँ भी उतना ही है, नज़ारा देखो। बट यहाँ थोड़ा पेड़ पौधा ज़्यादा है, फिर भी टेम्परेचर उतना ही है। अभी चल रहे हैं, मैं आगे आगे आपको दिखाते जा रहा हूँ। अभी घर से मैं निकला हूँ, घर से 3-4 किलोमीटर आगे आया हूँ अभी जस्ट, बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सारे। ये जंगल का नज़ारा देख लीजिए आप, काजू फिल्ट्री है सारे, बाकी आपको देखता देखो आगे कैसा है। ऐसे तब तब तो धूप में कैसे दिख रहा है कि पानी फैला हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है। रोड का कार्यक्रम भी चल रहा है और ये काफ़ी चौड़ी रास्ता बन चुका है। फिर मिलता हूँ मैं अगला दर्शनीय स्थान, जैसे ही आता है मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। आगे कहीं नाश्ता करेंगे, ये मेरे गांव की रास्ता है, ये मेरे गांव है और मेरे गांव का क्या रास्ता है, ऊपर जो शिव जी का टेम्पल है यहाँ, यहाँ अभी पीछे मेला चल रहा था। अभी देखिए इधर एक बजरंग वाली की मंदिर है, बढ़िया कथा सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स में घुस गए। जो यहाँ रणपुर है यहाँ का भी जो बड़ा मतलब NAC एरिया है इनका, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, वो तो नया बना है अभी। नहीं वो नया बना है, बट इधर ये मार्केट अभी है ना रणपुर का। आगे ये टेम्पल है, मणिनाग टेम्पल है जो पूरा पहाड़ी के ऊपर सबसे टॉप पे, शायद थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको, ऐसा नहीं दिखाई देगा, पूरा टॉप है और पहाड़ से कट के रास्ता बनाया हुआ है, जाने के बाद वो दिखाई देगा सारे। चलिए वो भी देखा देते हैं थोड़ा सा, हमारा आज का प्रोग्राम है नहीं, हम और जा रहे हैं। रघुनाथ टेम्पल है जो नयागढ़ में है, ये जो मणिनाग माँ मणिनाग मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये देखो गेट का एंट्री द्वार, ये देख लीजिए ऐसा है। जय माता दी। अभी हम रणपुर मार्केट में घुस चुके हैं, यहाँ भी जगन्नाथ टेम्पल रथ यात्रा होता है। पेट बहुत मेरा गड़बड़ हो चुका है अभी यात्रा के लिए, देखो अभी प्लास्टिक का है कि लकड़ी का है, लकड़ी का ये रथ यात्रा के लिए रखा हुआ है, ये सब बनेगा अभी, इधर रखा है उधर, ये भी रखा हुआ है काफी सारे रथ यात्रा के लिए, बाकी एक महीने भी नहीं, जून 6 तारीख को है ना, जून 7 को है, अभी जो आते टाइम बहुत जुलाई 7 को है। अभी हम जो है थोड़ा सा अभी नाश्ता करने जाएंगे, थोड़ा मैं दिखाता हूँ कोई बढ़िया सा नाश्ता दुकान बोल रहे, अभी पेट खराब था अभी ना माँ बेटे लस्सी जल जीरा कुछ लेके से ठंडा पानी जल लेकर आने के लिए, यहाँ पे दही बड़ा मिल रहा है लेकिन अब नहीं खाऊंगी, मंदिर से आकर खाऊंगी सोच रहा हूँ। तो सारे स्ट्रीट फूड खा के सर घूम के जाएंगे, इस बार टाइम है, ज्यादा टाइम लेकर रहा है तो दिन दिन जिस दिन बच रहा है उस दिन घूमेंगे, फिर उस जिस जिस दिन काम है उस दिन काम करेंगे। मस्त है, मस्त ऐसे ही करेंगे। चलो आज इसलिए सारे मंदिर घूमने के लिए आ गए, क्या हुआ है दही बड़ा के पास चले गए, दही बड़ा के पास खड़े हो गए ऐसे। बहुत गर्मी है, क्या करें, बारिश कब होगा पता नहीं। बारिश भूल गया शायद, मैं गवर्नमेंट बस पर है, लक्ष्मी बस यही है, 1-2 घंटे के बाद आ जाता है। लेकर आ गए, साई उठ गया, गिर गया, देखिए ऐसे हमारे साइड लस्सी सारे काजू चेरी ऐसे चॉकलेट वगैरह दे के देते हैं, थोड़ा सा पतला वाला दही डाल के। आज दही बड़ा खाता है, देखे ऐसे दही बड़ा बना के। अभी हम रणपुर और सारे काफी सारे जगह हमें क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ भी यही स्थिति है, बाहर जो सीन है इधर भी यही स्थिति, पेड़ पौधे काट के अभी सबका रोड बनाने के चक्कर में ऐसे कर रखे हैं इन्होंने। अभी यहाँ बांसगढ़ है ये एरिया का नाम, पेड़ पौधा सब काट के सत्यानाश कर रखे हैं, खाली पहाड़ पहाड़ है। अभी इधर पूरा पहाड़ी आपको दिखाई देगा और आप देखो दोनों साइड में पूरा कितना बड़े बड़े
पेड़ को सब काट के गिराए रखे हैं। क्या यार, ये मतलब इतना बढ़िया एरिया था, इसको भी सत्यानाश करके रखे हुए, बेड़ा पार कर दिया इन लोगों ने, सरकार वालों ने। चलो काटने के बाद थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है, मैं वाला चला दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही सारे जगह पे था, दोनों साइड पूरा छाया ही छाया है, बहुत बढ़िया था नज़ारा। ये पता नहीं सरकार पेड़ लगाने की अभी ये कर रहा है, योजना कर रहा है, फिर इसमें काट के बैठ जाते हैं। फायदा क्या ऐसा है यार, वही आदमी खुद मरता है, नुकसान। इधर घर में ऐसे लगाओ, इधर पेड़ लगाओ। अभी पेड़ लगाएंगे तो कब, और 40 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं ये लोग, तब तक पता नहीं कितने क्या मर चुके होंगे। खुद अपने हाथ से ही ऐसे करते हैं हम लोग। देखो ये कितना बढ़िया है जंगल, पूरा हरा भरा जंगल है, देखो चारों तरफ, देखो ये कितना हरा भरा जंगल है। देखा कितना ठंडी महसूस हो रहा है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, की आनंद। फिर मैं आगे का दिखाता हूँ आपका, कुछ ऐसा है हमारा जो है खंड पड़ा, जो हमारा पठानी सामंत जो चांद का ये किए थे, दूरता डिस्टेंस नापा था उन्होंने, वो एरिया का है। हम पहुँच गए आगे, इधर ये है उनका एरिया है जो चांद का डिस्टेंस नापा था उन्होंने, एक बांस का बम्बू का नाली पकड़ के हाथ में, तीन तीन ने। वो है पठानी सामंत जो है हमारा, ये एरिया है उनका जो गांव है, ये खंडा पड़ा, उस एरिया में हम अभी प्रवेश कर चुके हैं, जो अभी हम राम मंदिर के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ से राम मंदिर अभी 7-8 किलोमीटर है, हम थोड़ा रास्ता दूसरे साइड के रास्ता से आ गए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूर पड़ा। हो भैया खंडा पड़ा होके ही जाना पड़ेगा, तो फिर अभी देखते हैं राम मंदिर में पहुँच के आप लोग से बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं राम मंदिर के बारे में। चलिए मिलते हैं आगे। गंतव्य स्थान में पहुंच गए, जो अभी हमारा इधर राम मंदिर दिख रहा है, अभी हम पहुंच चुके हैं। मंदिर तो काफ़ी ऊपर पहाड़ के ऊपर है, अभी देखते हैं प्रभु श्री राम कृपा हुई है उनके दर्शन करके। ये रास्ता एक्चुअली कच्चा रास्ता है, लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। ये जो हमारा उड़ीसा में राम मंदिर बना है, फतेहगढ़ नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये देखिए राम मंदिर, काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आ चुका हूँ मैं पहाड़ की काफ़ी ऊपर। ये देखिए वो महानदी जो रेता दिख रहा है, ये महानदी का है, महानदी दिख रहा है, वह पूरी पहाड़ के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। ये जो मंदिर है पूरी पहाड़ के ऊपर है, यहाँ देखिए ये राम मंदिर है, इधर आ चुके हैं। और यहाँ देखो ये पूरी पहाड़ी के ऊपर है अवस्थित, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा था, इधर भी चल रहा था कार्यक्रम, यहाँ इन्होंने भी काफ़ी बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा, देख लीजिए आप। अयोध्या तो नहीं जा पाए, यहीं भगवान का दर्शन यहीं कर लेंगे हम। अभी एक्चुअली टाइम ऐसे पहुड़ा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, बाद में दर्शन करना पड़ेगा। चलिए
सेकंड अयोध्या जो है अपना उड़ीसा में है, फतेहगढ़। देख लीजिए मंदिर, यहाँ हनुमान जी का टेंपल है, यज्ञ मंडप है इधर, और वहाँ श्री राम चंद्र लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ, और उधर भंडारशाला है, ये भी है एक टेंपल, और वहाँ शिव जी का। ये बहुत बढ़िया है, और इधर से सबसे बड़ी तीर है, खतरनाक सीन जो पहाड़ के ऊपर से है, सबसे पहाड़ के टॉप पे, ये देख सकते हैं साइड में है थोड़ा सा जगह, अरे पूरा सबसे टॉप पे ही राम मंदिर है जो बनाया हुआ है। बड़ा शानदार लोकेशन है ये, देख सकते हैं कितना बढ़िया है, देखिए मंदिर का कारुकार्य। ये काफी सारा अभी नया बनाया गया है, ये गणेश जी का मंदिर है। पहन जाके शिव जी का टेंपल है, ये वहां किनारे महानदी। इसे इसको धूप में रगड़ के इसकी हालत खराब हो रखी है, घूम घूम रहा है ये।